नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखने के क्या नियम हैं? कौन सी मूर्ति हमें अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए और किस मूर्ति को हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में भगवान का एक पूजा घर ना हो। जी हाँ, हर घर में भगवान का एक पूजा घर अवश्य ही होता है। मगर क्या आपको पता है कि जो पूजा घर आपके घर में है, क्या वो शास्त्रों के हिसाब से वास्तु के अनुसार सही है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। आपको आपके घर के पूजा घर से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपने अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके घर में जो पूजा घर है, या अगर आप नया पूजा घर स्थापित कराने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये नियम पता होना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि घर का पूजा स्थल किस प्रकार का होना चाहिए, घर में जो पूजा स्थल है उसमें भगवान की मूर्ति कितनी होनी चाहिए, और भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप हमसे अक्सर कमेंट में पूछते रहते हैं। और आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठता होगा। तो आइए जानते हैं कि घर का पूजा स्थल आखिर किस प्रकार का होना चाहिए, मूर्तियाँ कैसी या कितनी होनी चाहिए। अक्सर यह सवाल हम सबके मन में उठता ही है। ईश्वर का चिंतन करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम नित्य प्रति श्रद्धा भक्ति से इष्ट देव का नाम मन ही मन लेते रहें। और इसके लिए कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन मित्रों, इसके इतर ही विधि विधान से पूजा करने का एक अपना ही आनंद है। शायद आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पंचदेव पूजा के अलावा कुलदेवी कुल देवता की भी पूजा की जाती है। पंचदेवों में गणेश जी, दुर्गा माता, सूर्य देव, भगवान शिव और भगवान विष्णु हैं। ये ऐसे पांच देवता हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में होती है। तो दोस्तों, पूजा घर बनाना घर में क्यों जरूरी होता है? तो सबसे पहले एक छोटी सी बात की अपने प्रभु, अपने ईष्ट को हम याद कर सकें, उनकी सेवा पूजा कर सकें, उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है घर में बना हुआ भगवान का मंदिर। इसके साथ ही घर में किसी तरह का वास्तु दोष और नकारात्मकता न पैदा हो, इसके लिए हमें घर में पूजा स्थल जरूर बनाना चाहिए और इन पंच देवों को स्थापित जरूर करना चाहिए। लेकिन घर में पूजा स्थल बनाने से पहले सही दिशा का चुनाव भी करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में आपके घर में पूजा स्थल होना चाहिए। इसके साथ ही शौचालय से सटा हुआ या शयन कक्ष में पूजा स्थल हमेशा ही नुकसानदायक है। साथ ही पूजा स्थल में मूर्तियों को रखते हुए भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर के मंदिर में एक मूर्ति के बजाय अनेक देव मूर्तियों की पूजा करें। ऐसा करने से आखिरी क्या होता है? तो आपको बता दें कि इससे कामना सुगमता से पूर्ण होती है। मगर आपको बता दें कि घर के पूजा स्थल में कभी भी दो शालिग्राम, दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो शंख, दो सूर्य, तीन दुर्गा मूर्ति और दो गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। इससे परिवार में अशांति फैलती है और पूजा में मन भी नहीं लगता। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियाँ ही घर में रखें। अगर आप मूर्ति नहीं रख सकते हैं, तो मूर्तियों की जगह पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान की मूर्तियां सजावट के लिए नहीं होती, इसलिए उनकी नित्य प्रति साफ सफाई करके श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करें। और अगर संभव हो तो पंचदेवों को मौसमी फल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही गुड़, बताशा, शक्कर आदि का भोग जरूर लगाएं। साथ ही घर में रखी मूर्तियों का जितना आदर सम्मान करेंगे, उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हयतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्चसिद् धिन विन्दति मानवः। अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो आप इन सब बताई हुई जरूरी जानकारी का विशेष रूप से ध्यान रखें और रोज अपने घर में स्थापित भगवान की नियम से पूजा अर्चना करें। ऐसे मानकर जैसे कि आप अपने घर में छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं।
अगर आप भगवान का इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो भगवान भी आपका जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही इस खास जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ही अवश्य ही शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।